ग्रैंड लाइंस के मोजिस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एसन अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड लाइंस। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर मूवीज़ में दिखाए गए सबसे बड़े मॉन्स्टर्स किंग कॉन्ग और गॉडज़िला की फ़ाइट हो जाए? दोनों में से कौन जीतेगा? क्या किंग कॉन्ग गॉडज़िला को हरा पाएगा या फिर गॉडज़िला किंग कॉन्ग को? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो दोनों साइज़ में बड़े होने की वजह से एक दूसरे को टक्कर देने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जहां स्कल आइलैंड मूवी में किंग कॉन्ग को पिछली मूवी से काफ़ी बड़ा और पावरफुल दिखाया गया है, वहीं गॉडज़िला को हर मूवीज़ के जैसे मुंह से आग छोड़ने वाला एक भयानक जानवर दिखाया गया है, जो ना सिर्फ किसी जानवर को बल्कि पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। गॉडज़िला जहां अपनी ताकत की वजह से अपने दुश्मनों को हराता है, वहीं किंग कॉन्ग अपनी ताकत और अपने दिमाग की वजह से जाना जाता है। किंग कॉन्ग लड़ाई के दौरान अपने आसपास की चीज़ों को एक हथियार के तौर पर काम में लेता है। दोनों की एक खासियत ये भी है कि इन दोनों के जिस्म को इंसानों के हथियार से ज़्यादा नुकसान नहीं होता और किंग कॉन्ग जल्दी से कभी हार नहीं मानता, बल्कि ज़ख्मी होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही देर में वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पुरानी मूवीज़ में किंग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक सुपर पावर के साथ दिखाया गया है, जो अपने दुश्मनों को बिजली के झटके से मार सकता है, वहीं गॉडज़िला को अपनी सभी मूवीज़ में मुंह से पावरफुल रोशनी निकालते हुए दिखाया गया है, जो किसी भी जानवर को जलाकर मार देने के लिए काफ़ी है। अगर ये दोनों जानवर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कि किंग कॉन्ग को गॉडज़िला हराने में कामयाब हो जाए, क्योंकि जहां किंग कॉन्ग ने डायनासोर से लेकर भयानक जानवरों को हराया है, वहीं गॉडज़िला ने ऐसे मॉन्स्टर्स को हराया है जो कि किंग कॉन्ग से भी ज़्यादा पावरफुल थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किंग कॉन्ग और गॉडज़िला की ताकत की बात की जाए तो किंग कॉन्ग मूवीज़ के अंदर कुछ गोलियों से ही मर जाता है, वहीं गॉडज़िला न्यूक्लियर के धमाके से भी बच जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गॉडज़िला को हराना किंग कॉन्ग के लिए आसान नहीं होगा। किंग कॉन्ग के नाम के आगे वर्ड किंग मतलब राजे का वर्ड काम में लिया गया है और राजा लड़ाई में हार भी सकता है, वहीं गॉडज़िला के नाम के आगे गॉड मतलब रब का वर्ड काम में लिया गया है, जो किसी से भी नहीं हार सकता। दोस्तों, इन दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि मूवीज़ में इन दोनों को इंसानों को बचाते हुए दिखाया गया है। ग्रैंड लाइंस की टीम को इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन आपको इसे लाइक करने में एक सेकंड से भी कम वक्त लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में खसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।